हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ही कह रही है, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नखरों से तंग आ गई हूँ। सो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विद योर एवरीडे टेंट्रम्स। आई एम फेड अप विद योर एवरीडे टेंट्रम्स, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नखरों से तंग आ गई हूँ। सो फ्रेंड, नखरों को बोलते हैं टेंट्रम्स, तो यहाँ पर इसलिए बोल रही है आई एम फेड अप विद योर एवरीडे टेंट्रम्स, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नखरों से तंग आ गई हूँ। तो यहाँ इससे कह रही है तू किसको घूर रहा है, हु आर यू स्टेयरिंग एट, हु आर यू स्टेयरिंग एट, तू किसको घूर रहा है, हु आर यू स्टेयरिंग एट, मैंने देखा तुझे मुझे घूरते हुए, आई सो यू स्टेयरिंग एट मी, आई सो यू स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा तुझे मुझे घूरते हुए, आई सो यू स्टेयरिंग एट मी, तूने क्या पहले कभी लड़की नहीं देखी, हैव यू नेवर सीन अ गर्ल बिफोर, हैव यू नेवर सीन अ गर्ल बिफोर, क्या तूने पहले कभी लड़की नहीं देखी, हैव यू नेवर सीन अ गर्ल बिफोर, यहाँ से तुरंत निकल ले, गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, यहाँ से तुरंत निकल ले, गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, यहाँ से तुरंत निकल ले, चल अब सॉरी बोल, नाउ से सॉरी, नाउ से सॉरी, चल अब सॉरी बोल, नाउ से सॉरी, तुम्हारी दोस्त ये भूल गई, तो यहाँ पे इसकी जो फ्रेंड थी वो कुछ भूल गई, तो इससे कह रहे हैं कि योर फ्रेंड लेफ्ट दिस बिहाइंड, योर फ्रेंड लेफ्ट दिस बिहाइंड, यानी तुम्हारी दोस्त ये भूल गई, योर फ्रेंड लेफ्ट दिस बिहाइंड, चिंता मत करो ये मैं उसको दे दूंगी, डोंट वरी आई विल गिव इट टू हर, डोंट वरी आई विल गिव इट टू हर, चिंता मत करो मैं उसको ये दे दूंगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रहा है तुम इन बेचारे लोगों को क्यों डरा रही हो, व्हाई आर यू फ्राइटनिंग दिस पुअर गाइज, Why are you frightening these poor guys? तुम इन बेचारे लोगों को क्यों डरा रही हो? Why are you frightening these poor guys? मैंने उसके जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। I have never seen a girl like her before. तो यहाँ पर ये किसी की बात करते हुए कह रही है, मैंने उसके जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। I have never seen a girl like her before. I have never seen a girl like her before. जो तुम कर सकती हो वो कभी नहीं कर सकती। She can't do what you can do. She can't do what you can do. यानी जो तुम कर सकती हो वो नहीं कर सकती। She can't do what you can do. यहाँ पे कह रही है हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता। Not everyone wants to be a doctor. Not everyone wants to be a doctor. हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता। Not everyone wants to be a doctor. कम से कम वो अपनी जिंदगी के मजे तो ले रही है। At least she is enjoying her life. At least she is enjoying her life. कम से कम वो अपनी जिंदगी के मजे तो ले रही है। At least she is enjoying her life. कम से कम वो अपनी जिंदगी के मजे तो ले रही है। तो कह रही है वो पछताएगी। She will regret it. She will regret it. वो पछताएगी। यानी कि शी विल रिग्रेट इट। तो उसके जवाब में कह रही है मैं तो पहले ही पछता रही हूँ। आई एम ऑलरेडी रिग्रेटिंग। आई एम ऑलरेडी रिग्रेटिंग। मैं तो पहले ही पछता रही हूँ। आई एम ऑलरेडी रिग्रेटिंग। कम से कम अपना खाना तो ख़त्म करो। तो गुस्से में अपना खाना छोड़ के जा रही है। इसकी माँ कह रही है एट लीस्ट फिनिश योर फूड। एट लीस्ट फिनिश योर फूड। कम से कम अपना खाना तो ख़त्म करो। एट लीस्ट फिनिश योर फूड। तो इस पर कह रही है आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री। तो इस पर कह रही है तुम्हें क्या परेशानी है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तुम्हें क्या परेशानी है। सो फ्रेंड, ये कैसे सेंटेंस है जिसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जब भी कोई अजीब सी हरकतें करता है, अजीब सी बात करता है, गुस्से में बोलने लगता है, तो सिचुएशन हम कहते हैं भाई तेरे साथ परेशानी क्या है, तुझे प्रॉब्लम क्या है। तो सिचुएशन में हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तो कह रही है तुम्हें क्या परेशानी है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तुम्हें क्या परेशानी है। माँ, मैं इस स्टूपिड जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आई एम फेड अप ऑफ दिस स्टूपिड लाइफ मॉम। आई एम फेड अप ऑफ दिस स्टूपिड लाइफ मॉम। माँ, मैं इस स्टूपिड जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आई एम फेड अप ऑफ दिस स्टूपिड लाइफ मॉम। अदिति अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जा रही है। अदिति इज गोइंग ऑन अ वेकेशन विद हर फ्रेंड्स। अदिति इज गोइंग ऑन अ वेकेशन विद हर फ्रेंड। अदिति यानी इसकी दोस्त जो है अदिति अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जा रही है। अदिति इज गोइंग ऑन अ वेकेशन विद हर फ्रेंड्स। मैं इतनी पढ़ती हूँ कि खुद को संडे के दिन भी छुट्टी नहीं दे सकती। आई स्टडी सो मच आई कांट इवन गिव माई सेल्फ अ ब्रेक ऑन संडे। सो कह रही है कि छुट्टी का यहाँ ब्रेक का मतलब है छुट्टी से। तो कह रही है आई स्टडी सो मच, मैं इतना स्टडी करती हूँ, इतना पढ़ती हूँ कि आई कांट इवन गिव माई सेल्फ अ ब्रेक ऑन संडे। यानी कि संडे के दिन भी अपने आपको एक ब्रेक नहीं दे सकती, छुट्टी नहीं दे सकती। तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए। वाई हैवंट यू गोन टू बेड येट। वाई हैवंट यू गोन टू बेड येट। तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए। वाई हैवंट यू गोन टू बेड येट। मैं पढ़ रहा था। ये कह रहा है इसका फादर। आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ रहा था अंधेरे में। इन द डार्क। इन द डार्क अंधेरे में। तो झूठ बोल रहा है तो इसलिए कह रहा है इन द डार्क यानी अंधेरे में। डोंट लाए झूठ मत बोलो। डोंट लाए यानी झूठ मत बोलो। डोंट लाए।
तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, मेरा इंतज़ार मत करा करो। ये अपने फादर से कह रहा है, यू शुड स्लीप अर्ली डोंट वेट अप फॉर मी, यू शुड स्लीप अर्ली डोंट वेट अप फॉर मी, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, मेरा इंतज़ार मत किया करो। यू शुड स्लीप अर्ली डोंट वेट अप फॉर मी, अगर मैं समय पर सो जाऊँ तो तुम्हें कब देखूँगा। इफ़ आई स्लीप ऑन टाइम वेन विल आई सी यू, इफ आई स्लीप ऑन टाइम वेन विल आई सी यू, अगर मैं समय पर सो जाऊँ तो तुम्हें कब देखूँगा। If I sleep on time, when will I see you? कल सुबह तो तुम मनाली के लिए निकल जाओगे। ये कह रहा है tomorrow morning you are off to मनाली, कल सुबह तो तुम मनाली को निकल रहे हो या निकल जाओगे। tomorrow morning you are off to मनाली, tomorrow morning you are off to मनाली, तुम इन अजीब चीज़ों के आदि हो रहे हो, यानी हैबिचुअल हो रहे हो, आदि होते जा रहे हो तुम इन यहाँ पे इसकी माँ कह रही है तुम इन अजीब चीज़ों के आदि हो रहे हो। यू आर गेटिंग हैबिचुअल टू दिस वियर्ड थिंग, यू आर गेटिंग हैबिचुअल विद, यू आर गेटिंग हैबिचुअल टू दिस वियर्ड थिंग, तुम इन अजीब चीज़ों के आदि हो रहे हो। तो यहाँ पे कह रहा है ये तुम्हारे लिए अजीब है, मेरे लिए नहीं। इट इज़ वियर्ड टू यू नॉट टू मी, इट इज़ वियर्ड टू यू नॉट टू मी, ये तुम्हारे लिए अजीब है मेरे लिए नहीं। इट इज़ वियर्ड टू यू नॉट टू मी, हम तुम्हारे दोस्तों के जितने मालदार नहीं हैं, यानी हम तुम्हारे दोस्तों के जितने अमीर नहीं हैं जितने तुम्हारे दोस्त हैं। वी आर नॉट एज रिच एज योर फ्रेंड्स आर, वी आर नॉट एज रिच एज योर फ्रेंड्स आर, हम तुम्हारे दोस्तों के जितने मालदार नहीं हैं अमीर नहीं हैं। वी आर नॉट एज रिच एज योर फ्रेंड्स आर, क्या तुम्हें सच बोलने से डर लगता है। आर यू स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, आर यू स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम्हें सच बोलने से डर लगता है। आर यू स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम्हें सच बोलने से डर लगता है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और फ्रेंड अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इस तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि फ्रेंड मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादातर लोगों को सेंटेंस का पता ही होगा, लेकिन क्या होता है कि पता होने से कुछ नहीं होता जब तक वे हम उन्हें बोलना शुरू ना कर दें, और उसके लिए हमें उन्हें बार बार सुनना पड़ता है, अच्छे समझना पड़ता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम रोज़ एक नई कन्वर्सेशन लेकर आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में अगर सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश स्पीकिंग का प्रोसेस होता है ना सीखने का, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर करती है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एक छोटी मोटी स्किल नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग, एक बड़ी स्किल है। तो इसे सीखने के लिए हमें मतलब एक्शन भी बड़े लेने पड़ेंगे, तो रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपके साथ फ्रेंड है या कोई ऐसा माहौल है जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो पा रही है तो आपको ज़रूरत नहीं इन वीडियो को देखने की, लेकिन अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई है नहीं प्रैक्टिस करने वाला, तब आप इन नए नए कन्वर्सेशन को रोज़ देख सकते हो, क्योंकि सेंटेंस रिपीट होते हैं, पुराने नए नए सेंटेंस आते हैं, तो रोज़ कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। और जिस तस्वीर के साथ होते हैं, मतलब एक पिक्चर के साथ हैं, तो इससे क्या होता है थोड़ा हम याद कर पाते हैं, हमारे याद रह जाते हैं, खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।